Realme 8i एंड Realme 9i का बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB स्टोरेज प्राइस है 14,000 रुपये विदाउट एनी डिस्काउंट या ऑफर बता रहा हूँ। सेम कंपनी का ये सेम प्राइस वाला दोनों फोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन वीडियो एक दो दिनों के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बट आज हम करने वाले हैं दोनों के बीच स्पीड टेस्ट। Realme 8i को पावर दिया है मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर ने और Realme 9i को स्नैपड्रैगन 680 ने। Realme 8i आता है 120Hz LCD डिस्प्ले के साथ और 9i सेम LCD डिस्प्ले बट 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड Realme i 2.0 पे रन कर रहा है। Realme 9i का जो बेस वेरिएंट है ना, यानी 4GB रैम वेरिएंट, इसके साथ भी आपको रैम एक्सपेंशन फीचर मिल जाएगा। Realme 8i में ये फीचर 4GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। 3GB तक आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो, अभी फिलहाल मैंने ये फीचर इनेबल रखा है बट 1GB रैम के साथ। Realme 8i है 4GB रैम के साथ और Realme 9i है 4GB प्लस 1GB 1GB एक्स्ट्रा रैम के साथ। चलिए देखते हैं ये कितना तीर मारता है। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन को एक बार रिबूट कर लेते हैं। ग्रेट, Realme 9i पहले बूट हो गया 39 सेकंड्स में और Realme 8i ने लिया 53 सेकंड्स। अब ट्राई करते हैं दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का सही है, अच्छे से काम कर रहा है, फास्ट है, एक्यूरेट है। दोनों स्मार्टफोन को एक साथ साइड बाय साइड ट्राई करने के बाद दोनों स्मार्टफोन मुझे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो लगे हाथों दोनों स्मार्टफोन का फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी ट्राई कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर को दोनों स्मार्टफोन का मैंने डिसेबल कर दिया है एंड Realme 9i का स्क्रीन जो है वो लाइट अप पहले हो रहा है, लेकिन अगेन दोनों स्मार्टफोन मुझे सेम लग रहा है। सेम टाइम पे दोनों स्मार्टफोन अनलॉक हो रहा है। अब गाइस स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया मैंने, दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स।
अब गाइस मल्टीटास्किंग रैम मैनेजमेंट स्पीड टेस्ट की बात करो तो रियलमी 8i विनर है, लेकिन रियलमी 9i ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जो नॉर्मल एप्स थे, इंटरनेट बेस्ड एप्स थे, उसमें रियलमी 9i ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हेवी टास्क में गेम्स लोड करने में क्लियरली विनर है रियलमी 8i। डे टू डे टास्क में जब आप नॉर्मल एप्स ओपन करोगे ना, तो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि रियलमी 9i एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फास्ट है, लेकिन जब आप हेवी टास्क लोड करोगे, हेवी गेम्स लोड करोगे ना, तो उस वक्त आप क्लियरली नोटिस करोगे कि रियलमी 8i मच फास्टर डिवाइस है। तो गाइस 1GB एक्स्ट्रा रैम के साथ भी रियलमी 9i का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर देखा, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता रैम एक्सपेंशन फीचर आपको मिले या ना मिले, ये एक्चुअली मुझे गिमिक लगता है। तो दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए दोनों स्मार्टफोन का वाईफाई स्पीड चेक कर लेते हैं। वाओ, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है स्पीड, डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड रियलमी 8i का। गाइस चलिए अब सेम वाईफाई नेटवर्क की मदद से दोनों स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से एक गेम हम इंस्टॉल करेंगे 340 MB का स्टॉपवॉच लगाकर बारी बारी से। तो 340 MB का गेम इंस्टॉल करने में रियलमी 9i ने लिया 1 मिनट 19 सेकेंड्स और सेम गेम इंस्टॉल करने में रियलमी 8i ने लिया 50 सेकेंड्स, यानी 30 सेकेंड पहले टास्क कंप्लीट कर लिया। एंड ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन का रीड एंड राइट स्पीड। अब हम करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन का वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो एडिट करते हैं ना, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्मार्टफोन में हमने 3.4GB का फाइल्स, 4 फाइल्स ट्रांसफ़र कर दिया है। चलिए अब एडिटिंग करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है। सेटिंग सेम रहेगा, फुल HD+, बिट रेट रहेगा बेटर क्वालिटी एंड फ्रेम रेट रहेगा 30 FPS। अगेन Realme 8i ने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया 11 मिनट 50 सेकंड्स में, 11 मिनट 50 सेकंड्स में वीडियो रेंडरिंग, एंड Realme 8i ने अभी ओनली 28% टास्क कंप्लीट किया है। 25 मिनट होने वाला है एंड अभी तक ओनली 60% टास्क कंप्लीट हुआ है, यानी और 17-18 मिनट लग सकता है। जो काम Realme 8i ने 12 मिनट में कंप्लीट किया, वो काम 45 मिनट लग सकता है Realme 9i को। एंड्रॉइड स्कोर के बारे में बता दूं, Realme 8i में GPU स्कोर नहीं आता, जब GPU टेस्ट के टाइम पे जो एनिमेशन रन होता है वो स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से GPU स्कोर नहीं दिखता। स्कोर में 20-22 हज़ार का डिफरेंस दिख रहा है दोनों स्मार्टफोन के बीच में, लेकिन Realme 9i में GPU स्कोर है, Realme 8i का GPU स्कोर नहीं है। अगर GPU स्कोर आता तो इजीली Realme 8i का स्कोर ज़्यादा होता। ये है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench स्कोर। अगेन सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर Realme 8i का ज़्यादा आया। Realme 9i एक अच्छा डिवाइस है, चाहे वो डिस्प्ले हो, मल्टीमीडिया हो, बैटरी हो या चार्जिंग हो, लेकिन अगर आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन तो Realme 8i एनी डे बेटर है। बाकी अगर आप दोनों स्मार्टफोन के बीच में फुल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो, लाइक कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।